अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स की चीजें पढ़ते हैं उनको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं रियल लाइफ में? क्योंकि जब हम चीज अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके समझ आता है कि जो चीज हम डिराइव करते हैं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, उसमें हमने बात की थी कि हम एक कंडीशन अगर गिवन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाल सकते हैं। तो आज हम ये वाली बात देखेंगे कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको मजीद हम किस तरह देख सकते हैं और बेस थ्योरम उस जुमरे में किस चीज को कहते हैं। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेजियन स्टेटिस्टिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है स्टेटिस्टिक्स की, तो उसका जो मेन चीज है वो बेस थ्योरम है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकला है। और हम ये देखेंगे कि अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला लेना हो, जैसे आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उसमें जो भी फैसला लेते हैं वो असल में अगर हम कैलकुलेटेड वे में लेते हैं तो हम बेजियन थ्योरम या बेजियन स्टैटिस्टिक्स लगा रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि वो होता क्या है। अब जिस तरह हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पीछे से देखा था उसी को हम आज एग्जांपल को आगे लेकर जाएंगे और उसी में देखेंगे कि बेजियन स्टैटिस्टिक्स का जो मेन है एक चीज थ्योरम वो क्या है। ठीक है, तो हम उस चीज को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आगे है कि हमने आज बेस थ्योरम के बारे में बात करनी है। और अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो नहीं देखी तो फिलहाल यहीं पर रुक जाएं और इस वीडियो को, इस बेस थ्योरम को फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है, पहले जाएं और जाके देख कर आएं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए कि हमने अगर बेस थ्योरम पढ़ना है तो उसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ना जरूरी है और क्यों जरूरी है। वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में भी आ रहा होगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इस पाइथन की चिल्ला और कोडेनिक से हिस्सा बन सकें तो टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एनीवेज, अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। लास्ट जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हमने बात की थी, इसमें आपको याद होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी इस चीज को, हमने डिस्कस किया था कि हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर आपका वो क्लास वाला जिसको बोतल पसंद है ये निकालेंगे, उसको समोसा नहीं पसंद, ठीक है, हमने गिवन ये चीज कर ली थी कि उसको बोतल या कोला पसंद है और समोसा नहीं पसंद, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली होगी बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने पढ़ा था। पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को कर लूँ एडजस्ट ताकि आपको पूरा नजर आ जाए। सो आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ठीक है, तो 71% उसकी थी टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी। और ये आपको पता है फॉर्मूला, हमने देखा था कि जो चीज हमारे पास होती है कंडीशन से पहले उसको हम न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं और जो कंडीशन होती है हमारे पास बेसिकली वो हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इस तरह नहीं लिखते और हम वैसे ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेबल में से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कंडीशन ये है कि उसको कोला पसंद है, बोतल पसंद है, तो हम ये वाली रो जो है वो इस्तेमाल करेंगे और समोसा नहीं पसंद तो हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है 5। ठीक है, तो 5/7 हमारे पास आ गया, दैट्स 71%। ठीक है, जिस तरीके से भी आप निकालें लेकिन आपको तरीका पता चल गया है और आपको पता चल गया है कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन भी साथ में निकाल लेते हैं, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी इसी चीज की निकालेंगे कि एक बंदे को समोसा नहीं पसंद और बोतल पसंद है, गिवन दैट ऊपर हमने कहा कि उसको बोतल पसंद है और यहाँ पे हमने कहा कि उसको समोसा नहीं पसंद। ठीक है, बाद हम एक ही चीज निकालने की कोशिश करें लेकिन जो हमारे पास गिवन सिचुएशन है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी तो दो मुख्तलिफ चीजों की हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सिचुएशन क्या है, मुख्तलिफ कंडीशन यहाँ पर असल में तब्दील है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली चीज है कि नॉट लव समोसा और उसको पसंद है कोला, ये दोनों चीजें सेम है,
लेकिन जो मेन कंडीशन है वो हमने मुख्तलिफ कर दिया, इवेंट हमने चेंज कर दिया, कंडीशन हमने चेंज कर दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक ही चीज़ के कारण है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं आसान अल्फाज में कि हम बात अगर कर रहे हैं कि आज क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की अगर धूप निकली हुई है, ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की अगर बादल है। तो ये वही चीज़ है, एक ही चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास कंडीशन है वो मुख्तलिफ है। तो ये देखें, जो मुख्तलिफ कंडीशन होगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका, मैंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि हम एग्जैक्टली क्या करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब जो आपका दोस्त था जिसके साथ आपने कंडीशन और प्रोबेबिलिटी में शर्त जीत ली थी, वो आपके पास फिर से आ जाता है। जब वो आपको देख रहा होता है कि आप ये बात कर रहे हो, तो वो आपसे कहता है कि अब थोड़ा सा मुख्तलिफ मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने अब शर्त लगानी है उसमें मैं जीत सकता हूँ। वो कहता है कि तुमने जो भी बात की उसमें तुम बार बार ये वाली बात कर रहे हो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि समोसा नहीं पसंद और कोला पसंद है, तो ये जितने भी तुम बात कर रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन तुमने निकाल ली है उसके लिए ये चीज़ बड़ी अहम है, तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तो तुम ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल के, इसके बगैर अगर तुमने नहीं दी तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर तुमने दे दी तो फिर मैं हार जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। काम क्या है असल में कि उसने कहा जो ये चीज़ है ना प्रोबेबिलिटी कि समोसा नहीं पसंद और कोला पसंद है, इसके बगैर तुम ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते जो हमने निकाल ली है, एक ही चीज़ की प्रोबेबिलिटी लेकिन डिफरेंट कंडीशन के साथ। तो आप ये वाला काम सेम बारिश वाली प्रोबेबिलिटी के साथ भी, ये बारिश वाले केस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह कह रहे हैं कि आपने अगर अभी तक कॉपी और पेंसिल नहीं पकड़ी हुई लिखने के लिए, तो साथ साथ लिखते रहें क्योंकि आगे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं, और यहाँ पर हम करने वाले हैं, हम भी थोड़ी देर गौर से देख लेते हैं, आप भी देखें, और आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या हम शर्त जीत सकते हैं, और अगर हम जीत सकते हैं तो आपने एक लाइन में बताना है कैसे, ठीक है। यहाँ पर हम असल में करेंगे अलजबरा, लीनियर अलजबरा, बहुत छोटी सी हल्की फुल्की सी, वो परेशान होने वाली बात नहीं, जो हम नहीं करते मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों साइड पे, प्लस माइनस कर दो दोनों साइड पे, तो हम वही करेंगे। हमने ये वाला मेन पार्ट हमारे पास है, ठीक है, ये हमने एलिमिनेट करना है। तो हम इस तरह करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर में ऊपर वाली चीज़ है ना, अगर हमने दूसरी साइड पर लेकर जाने तो ऑब्वियसली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे वाली चीज़ को भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इस तरह की हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड वाली चीज़, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम हो गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो उसका क्या मतलब है कि दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाली चीज़ है इसको हम निकाल देते हैं बाहर और इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। यहाँ तक हो गया हम क्लियर, यहाँ पे हमने जो अलजेब्रा करनी थी वो थोड़ी सी कर ली, थोड़ी सी और रहती है, आसान सी है। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमने ये दो प्रोबेबिलिटीज निकाली, राइट, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि समोसा नहीं पसंद और बोतल पसंद है, गिवन दैट कि उसको बोतल पसंद है, और ये गिवन दैट कि उसको समोसा पसंद नहीं है, ये हमने दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, ये दो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो हम इस तरह करते हैं, पहले एक चीज़ के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ के लिए सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके हो जाएगा ये डिवाइड, ठीक है। और अगर हम दूसरी चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी कि उसको समोसा नहीं पसंद, ये वहां जाके दूसरी तरफ हो जाएगा, यानी कि इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमने कर लिया। यहां तक हम जीत गए हैं शर्त, हमने ये प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हैं जो हमने निकालने थे, ठीक है, हमारे पास वही सेम है, वही दो कंडीशन मुख्तलिफ हैं, और हमने ये फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए कि हम उसके बगैर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने एक बहुत अहम स्टेप जो किया है, एक अहम काम किया है, वो ये है कि हमने बेस थ्योरम भी डिराइव कर लिया है, यानी कि हमने बड़े ही बातचीत करते हल्के फुल्के अंदाज में एक बहुत अहम थ्योरम जो है वो डिराइव कर लिया है, बेस थ्योरम। वो हमें ये बताता है असल में कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं एक इवेंट की, यानी कि यहाँ पर हमें कंडीशन ये पता है, हमने इवेंट ये लिया कि उसको कोला पसंद है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे
ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास हो कि उसको समोसा नहीं पसंद, यानी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है, और वाइस वर्सा जो हमारे पास नीचे था। अब क्योंकि बेस थ्योरम इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता, तो हम क्या करते हैं, आपने अभी ये काम करना है कि जहां पर लिखा हुआ है कि समोसा नहीं पसंद वहां पे आपने डाल लेना है ए, और जहां पे लिखा हुआ है कि बोतल पसंद है वहां पे आपने डाल लेना है बी, ठीक है। वो डालने के बाद जब आप लेकर आएंगे सिचुएशन तो इस तरह की हो जाएगी। और जब भी आप बेस थ्योरम देखेंगे कोई कभी भी किताब में या आप रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं या गूगल भी करेंगे, तो आपको बेस थ्योरम इसी फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। और हम जो बार बार ये एक चीज कर रहे हैं कि उसको यहाँ पर दोबारा अगर हम पीछे जाएं कि मैंने यहाँ पर रिडंडेंट चीज इस्तेमाल की, बार बार हम कर रहे हैं कि लव कोला यहाँ पे मैंने बात की है, तो अक्सर वो कहा ये चीज नहीं लिखी होती, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए इसको बार बार लिखा है ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक होगी हमारे पास काम आसान, हमने बेस थ्योरम कर लिया डिराइव, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन इस तरह की है, अब आपको दोस्त कहते हैं कि ठीक है तुमने बेस थ्योरम डिराइव कर लिया, तो अब तुम ये करो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, या मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन है इससे ये तीन चीज़ें हैं आपके, उस बंदे को जिसे कोला पसंद थी उसको समोसा नहीं पसंद, उसकी प्रोबेबिलिटी 71% है जो कि हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, और उसको कोला पसंद है कि अप्रोक्सीमेट जो प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और उसको समोसा नहीं पसंद की प्रोबेबिलिटी 0.57 है, यानी कि 57% है। जब हम इसको बेस में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है। अब यहाँ पर हमने नोट करना है कि हमने अप्रोक्सीमेट का वर्ड इस्तेमाल किया है, क्यों किया है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली डालेंगे क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन कम थी, तो हमारे पास 63% इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन यूजुअली जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन का एस्टिमेट की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास पूरे पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो बेस थ्योरम है वो हमें असल में यही बता रहा होता है कि हमने जो गेस करना है वो किस लिहाज से होगा, हम गेस करके जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो किस लिहाज से होगी। हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेस थ्योरम हमें ये जो बेसिक स्टेटिस्टिक है उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसके गेस के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन सारे पॉपुलेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि आप पूरे पाकिस्तान में हर बंदे से जाकर तो नहीं पूछ सकते कि तुम्हें समोसा पसंद है या तुम्हें कोला पसंद है। तो आप कुछ सैंपल लेते हैं, उस पर बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ ऑन एवरेज ये वाली बात हो गई थी। इस तरह का अगर आप इसको डिटेल में इस पर रिसर्च करते हैं, जिस तरह मेडिकल फील्ड में इसको यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है, तो आपने क्या करना है, आपकी आपकी असाइनमेंट यहाँ पर ये होगी कि आपने ये देखना है कि बेस थ्योरम को हम ये आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आपने एक एग्जांपल लिखनी है कमेंट सेक्शन में कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बेस थ्योरम है असल में यही बेसिक बुनियाद है बेजियन स्टैटिस्टिक्स की, और अगर आपको बेस थ्योरम समझ में आ जाता है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको समझते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ये फार्मूला दोबारा से मैंने आपको दिखा दिया कि जब भी आप किसी भी फार्मूला गूगल वगैरह करेंगे तो आपको यही फार्मूला नज़र आएगा, और आपको जब ये फार्मूला नज़र आएगा तो आपको नज़र समझ भी आ जाएगा एक्चुअली कि बेस थ्योरम क्या होता है। हमने जो एग्जांपल ली है उस हवाले से, और जो हम फैसले करते हैं उसकी बुनियाद बेसिकली बेस थ्योरम होता है। तो आज की असाइनमेंट आपके पास, मैंने दरमियान में जो बात बोली थी उसकी असाइनमेंट भी आपने टाइम स्टैम्प के साथ लिखनी है, और अभी बेस थ्योरम की भी एग्जांपल आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखनी है। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।